Hello friends, welcome to iExamB. I'm Sitakshi, I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will see some of the rules of grammar, and these rules of grammar will be important for you for all your banking and insurance exams. तो अगर आप ये insurance या banking या कोई भी regulatory body government exam कोई देने जा रहे हैं और उसमें English आता है तो ये rules of grammar आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा because इन rules के साथ ही आप grammar के questions solve कर पाएंगे. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इन क्वेश्चंस के जरिए हम रूल सीखेंगे. यहां बोल रहा है मेनी अ रोमांटिक बैलेड हैव बीन रिटन अबाउट द फैक्ट दैट वी डू नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ समवन अंटिल ही और शी इज गॉन. ठीक है, तो यहां पे क्या है, मेनी अ जो है वो हमेशा एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है. मेनी अ का मतलब भी मेनी ही होता है, बट इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि मेनी अ के बाद रोमांटिक बैलेड आएगा, बैलेड्स नहीं आएगा और हैज बीन आएगा. तो बैलेड तो एकदम ठीक है, यहां पे हैव रॉन्ग है, यहां पे हैव की जगह हैज होना चाहिए. सो एरर आपका ए में लाई करता है, राइट? तो आप ए को अपना आंसर मार्क करेंगे. ऐसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है, पासरबाइज वाज स्टेयरिंग एट द स्ट्रीट परफॉर्मर एज ही एंटरटेन्ड द क्राउड विद हिज जगलिंग स्किल्स. तो अब देखिए, पासर बाय क्या है, पासर बाय एक कंपाउंड नाउन है. तो कभी भी हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड में एस ऐड करते हैं. जैसे कि डॉटर इन लॉ को अगर प्लूरल बनाना है तो डॉटर्स इन लॉ होगा, डॉटर इन लॉज नहीं होगा. ठीक है, सो मेन वर्ड में हम एस लगाएंगे. ऐसे ही पासर बाय है तो इसका प्लूरल पासर्स बाय होगा, पासर बायस नहीं होगा. तो यहां पर एरर क्या है, पार्ट ए में है, ये पासर्स बाय होना चाहिए, ए को हम अपना आंसर मार्क करेंगे. आगे बढ़ते हैं, हिज फादर इज अ 80s मूवी स्टार हु इज स्टिल पॉपुलर. अब देखिए, हो सकता है आपको लगे कि ये एकदम ठीक है, पर देखो यहां पर 80s, जैसे ही आप 80 बोलते हैं तो क्या आता है, एक वॉवल साउंड आता है ए, राइट? सो ए का जो मतलब है वॉवल साउंड, तो हमारा रूल क्या है कि एन लगेगा वॉवल साउंड से पहले. कभी कभी हमें लगता है कि वॉवल से पहले लगेगा, वॉवल स्टार्टिंग वर्ड से, पर वॉवल साउंड स्टार्टिंग वर्ड से पहले एन लगता है. तो ऐसे ही इसीलिए आप 80s के आगे एन 80s इस तरह से लगाएंगे. ठीक है, तो यहां पे एरर है ऑप्शन बी में, आप इसको अपना आंसर मार्क करेंगे. राइट, वंस चॉइसेस एंड एक्शंस डिफाइन देयर कैरेक्टर. अब देखिए, यहां पे ये भी हो सकता है आपको लगे कि एकदम ठीक है, पर एक बात ये जाने कि अगर हम बात करते हैं हिज की, किसी एक लड़के की, तो हिज चॉइसेस डिफाइन हिज कैरेक्टर, हर चॉइसेस डिफाइन हर कैरेक्टर, एंड वंस चॉइसेस डिफाइंड वंस कैरेक्टर. तो अगर यहाँ पे वन लिखा है तो यहाँ पे आप वंस कैरेक्टर लिखेंगे. करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है आपको एक नाउन के लिए. ठीक है, तो यहां पर देयर की जगह यहाँ पे वंस आएगा, सी में एरर है, आप पार्ट सी को अपना आंसर मार्क करेंगे. यहाँ कह रहा है, पॉलिटिक्स एनकंपास अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग गवर्नेंस पावर एंड पब्लिक अफेयर्स. तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स लिखा है ना. अब पॉलिटिक्स क्योंकि वो एस से एंड हो रहा है, हो सकता है हमें लगे कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. ठीक है, तो ऐसे ही सम वर्ड्स में अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर, लाइक पॉलिटिक्स. कोई सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, तो आप बोलोगे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, मीजल्स इज अ डेडली डिजीज. ठीक है, सो इस तरह से आपके कुछ ऐसे डिजीजेस हैं, गेम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऐसा लगता है कि प्लूरल है बट एक्चुअली सिंगुलर होते हैं. सिमिलरली विद द केस ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसीलिए आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. सो पॉलिटिक्स एनकंपास रॉन्ग है, एनकंपासेस होना चाहिए, एरर यहाँ पे ए में लाई करता है. राइट, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स. आई होप आपने कुछ रूल्स सीखे होंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस के लिए उसको डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करिएगा और अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी प्रैक्टिस करें. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें.